हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, एंड संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। एंड इसी सीरीज में आज ये हमारा 9th ऐसे राइटिंग सेशन है। अब देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। हिंदी में क्या है, हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा यह विश्वास है कि कोई और इसे बचाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, इसकी जिस्ट क्या है कि जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं, उससे भागते हैं। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है और इसी पे आपको 1000 से लेके 1200 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है। अब देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी ऐसे को अटेम्प्ट करें तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए। देखिए, एक ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए यूपीएससी में आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 30 प्लस 60 मिनट्स। अब देखिए, एक ऐसे को लिखने के लिए 60 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं, काफ़ी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 30 एक्स्ट्रा मिनट्स मिलते हैं। इसका एक पर्पज़ है, क्योंकि देखिए इस 30 मिनट्स में आप जितना अच्छे से ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, टॉपिक का एनालिसिस करेंगे, सारी डायमेंशंस को सोचेंगे, उतना ही अच्छा आपका ऐसे होगा जो आप इस 60 मिनट में लिखते हो, ठीक है। तो हमारा फोकस क्या है, इस 30 मिनट पे है कि आपका ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से कंक्लूड करेंगे, क्या डिफरेंट डायमेंशंस होंगी, कौन से करंट अफेयर आपको शामिल करने होंगे, तो वो सब चीज़ें होती हैं इस 30 मिनट्स में, ठीक है। और ये 30 मिनट्स आपको अच्छे से यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। आपको जो रफ वर्क के लिए स्पेस मिलता है पीछे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से रफ वर्क करना होगा और अच्छे से ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। और जब ये हो जाए तो उसके बाद आप स्टार्ट करिए ऐसे को लिखना। और जब आप ऐसे लिखते हैं तब कोशिश करिए कि कोई भी नई चीज़ मत लिखिए, जो आपने 30 मिनट में सोचा है ना उसी को फॉलो करें, ठीक है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा आपको उसमें फ़र्क देखने को मिलेगा जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस होगी आप सभी लोगों को कि जब भी आप ऐसे लिखें, इवन जब आप प्रैक्टिस करें तब भी आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करें। पूरा 90 मिनट्स आपको देना चाहिए ऐसे को लिखें। और हाँ, जो वर्ड लिमिट है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। 1000 से लेके 1200 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना होता है, इससे कम मत करिए। और जहाँ तक ज़्यादा की बात है तो इतना तो स्पेस वहाँ पे मिलता ही नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं हमारे ऐसे के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमने देख लिया है, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। अब देखिए, सबसे पहले हमारा फोकस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, क्या डिफरेंट डायमेंशंस होंगी जो इस ऐसे में हमें शामिल करनी होगी, जिनको हमको एड्रेस करना चाहिए, एक बार उसको देख लेते हैं। पर देखिए, उसको देखने से पहले ये जो ऐसे है ये समझ में आपको आना चाहिए, ये ऐसे की डिमांड क्या है कि देखिए हमारा जो प्लेनेट है ना उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं, ठीक है, और वो इश्यूज क्यों रिजोल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल हैं, ये इंडिविजुअल कौन कौन हो सकता है, पर्सन्स हो सकते हैं, रीजन्स हो सकते हैं, नेशंस हो सकते हैं और इंटरनेशनल बॉडीज़ वगैरह हो सकती हैं। तो देखिए डायमेंशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, इसलिए ये एक थ्रेट है हमारे प्लेनेट के सर्वाइवल पे। तो ये सारे डायमेंशंस आपके ऐसे में होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये जो कोटेशन दिया हुआ है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए इंट्रोडक्शन में, ताकि ये जो मैसेज है ये क्लियर हो जाए।
तो आप बता दीजिए कि किस तरह से जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या बताया हुआ है कोटेशन में कि इससे थ्रेट होता है, तो अब आपको बताना होगा कि ये जो इंडिविजुअल हैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेट करते हैं, उससे भागते हैं, और इससे किस तरह से आपको कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो वो सारी डायमेंशन आपको ऐड करनी होगी, और काफ़ी सारी डायमेंशन है। आप बात कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की, बात कर सकते हैं आप एनवायरनमेंट की, बात कर सकते हैं आप टेररिज्म की, बात कर सकते हैं इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल, आप पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी की बात कर सकते हैं, इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, मॉरल एंड लीगल पर्सपेक्टिव में आप बात कर सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट डायमेंशन है जहाँ पे आप बताइए कि अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है तो किस तरह से इन सब सेक्टर्स में आपको कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी डायमेंशन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं और किस तरह से विद एग्जांपल आप इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपका नेक्स्ट पार्ट जो आपको एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो आपने बता दिया कि किस तरह से कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब अगली डायमेंशन क्या होगी, अगली डायमेंशन क्या होनी चाहिए कि ये जो इंडिविजुअल एक्शन की बात हो रही है इसकी जरूरत क्यों है। ऑब्वियस ही बात है ना, देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो उसका हर पार्ट एक से दूसरे में लिंक होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, और वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया, एक्सप्लेन किया, फिर बताया कि किस तरह से निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अब जो जिस्ट है इस ऐसे की वो क्या है कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको लेनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली सवाल उठता है कि भाई क्यों लेनी चाहिए, पहले इसको तो एक्सप्लेन करो, तो वो आपका नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए। देन आप कुछ सक्सेसफुल केस स्टडीज बताइए जहाँ पे लोगों ने इंडिविजुअल इनिशिएटिव लिया है और उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ताकि ये जो आपका पॉइंट है कि भाई इंडिविजुअल एक्शन जरूरी है ये आप वैलिडेट कर पाए, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। देन आप और कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, कि क्या और हमें करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये जो थ्रेट्स हैं ये ख़त्म हो जाए और जो हमारा प्लेनेट है वो सरवाइव करे। तो और कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो आप दे दीजिए, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी डायमेंशन है, वो आप एड्रेस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचे हैं, बाकी आप भी अपने हिसाब से नए पॉइंट्स बना सकते हैं, नए पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि केवल यही स्ट्रक्चर परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं। एंड देखिए जब भी आप ऐसे लिखते हैं ना तो ऐसे में आपका इंट्रोडक्शन और जो आपका कंक्लूजन है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर है ना उसका इंटरेस्ट बना रहे आपके ऐसे में, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। अब मान लीजिए इंट्रोडक्शन ही काफ़ी बेकार है, अच्छा नहीं है, तो एक तरह का इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो उसका इफेक्ट आपको आपके मार्क्स पे भी देखने को मिलेगा। तो देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है ना, तो ये जो कोटेशन है ये किसका है, एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर है रॉबर्ट स्वान, ये उनका स्टेटमेंट है, और ये 2018 में काफ़ी न्यूज में था और इसी पे ये ऐसे का टॉपिक बनाया हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोटेशन है, जैसे कि महात्मा गांधी का कोटेशन है जिससे आप शुरुआत कर सकते हो, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, मतलब आपको खुद को एक्शन लेना होगा। तो ये जो जिस्ट है ना इस कोटेशन का जो ऐसे में पूछा गया है उसको आप इससे हाईलाइट कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। ये कोटेशन लिखिए और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई एनेक्डोट, कोई स्टोरी वगैरह लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। देखिए अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, एंड 1980s में क्या था कि वहाँ पे काफ़ी डिफॉरेस्टेशन होता था, माइनिंग वगैरह होती थी, और इससे हुआ क्या, वो जो एरिया था वो एक ड्राई एंड बैरन लैंड में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। इसके अलावा इसके क्या कारण थे, देखिए एक तो माइनिंग हो रही है, गवर्नमेंट का रोल आप समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है, जो वहाँ का वाटर टेबल था वो उसमें डिक्रीज हो रहा था,
कि इसके अलावा वहाँ के लोग क्या करते थे, उससे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, चेक डैम्स हो गया, जोहर हो गया, इनको फॉलो करते थे, लेकिन वो फॉलो करना बंद कर दिया और उसकी जगह जो मॉडर्न टेक्निक्स थी जैसे कि बोरवेल वगैरह ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और इससे हुआ क्या कि फर्दर जो ग्राउंड वाटर था उसमें डिक्रीज हमको देखने को मिला, और इसका रिजल्ट क्या रहा कि वो जो पूरा एरिया था वो तब्दील हो गया एज ए डार्क जोन, मतलब जहाँ पर वाटर काफ़ी कम अवेलेबल होगा। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है कि वहाँ पर पानी नहीं है, ठीक है, वहाँ का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है, तो देखिए इसमें सबका रोल था, जो विलेजर्स हैं उनका भी था, जो गवर्नमेंट है उनका भी था, मतलब सल्यूशन देने की बजाय ये सभी लोग जो प्रॉब्लम थी उसका पार्ट थे, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग ना वो प्रॉब्लम का पार्ट हैं लेकिन वो सल्यूशन का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, और वही चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इस स्टोरी से ऐसा लगता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो कोई मिराकल उम्मीद कर रहे थे कि कुछ होगा जिसकी वजह से बिना एफर्ट किए सब कुछ फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है अलवर की ये क्या दिखाती है, ये क्लियरली इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि अगर इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल मतलब हर चीज़ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाएंगे, केवल प्रॉब्लम का पार्ट मत बनिए बल्कि आपको सोल्यूशन का भी पार्ट बनना होगा, तो जब तक ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो क्या है कि अलवर शामिल हो गया डार्क जोन में, ठीक है। अब इससे आप लिख दीजिए कि दस वी कैन से दैट द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। अब देखिए ये जो हमने इंट्रोडक्शन किया है इसमें आप लिंक देखिए कि जो मैसेज है ऐसे टॉपिक का वो यहाँ पे क्लियरली हाईलाइट हो रहा है, तो ये काफ़ी एक अच्छा इंट्रोडक्शन इसको माना जाएगा, ठीक है। तो आपने जो मैसेज है वो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो इंडिविजुअल हैं अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाएंगे तो हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आप क्या करो, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो और उसमें आप बताइए कि अब हम बात करेंगे डिफरेंट डायमेंशंस की, डिफरेंट एग्जांपल्स की, जहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि अगर इंडिविजुअल अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा तो उससे किस तरह से निगेटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो अब आप अगली डायमेंशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लीजिए क्लाइमेट चेंज की। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली एनवायरनमेंट को लेके लाया गया था, लेकिन आप अपने आप को केवल वहीं तक रेस्ट्रिक्ट मत करिए, जितनी भी डायमेंशन आपके माइंड में आती हैं जिसका लिंक हो सकता है वो आपको यहाँ पर लिखनी चाहिए। अब देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नेशंस हैं वो सेल्फिश हैं, ठीक है, वो केवल अपनी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इसी वजह से काफ़ी बड़े लेवल पे जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका एमिशन होता है और उससे क्लाइमेट चेंज होता है। और जो नेशंस है वो क्या कर रहे हैं ये आपको दिखता है कि अभी रिसेंटली यूएसए ने विथड्रॉ किया था पेरिस डील से जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, तो आप देखिए कि जो कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इस गैस को एमिट कर रही हैं, इसका एमिशन हो रहा है, वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हैं, और इससे क्या होगा ये आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज से कितने सारे एडवर्स इवेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए करंट अफेयर को शामिल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली यूएनईपी की रिपोर्ट थी कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, इस सेंचुरी के एंड में 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह के एफर्ट चल रहे हैं। तो ये जो मैसेज है ना कि इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। इसके अलावा आप बात कर सकते हो एनवायरनमेंट की कि देखिए जो इंडिविजुअल हैं हम भी जनरली क्या करते हैं, कितना वेस्टेज होता है वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, और ये आम बात है, आप भी इसको करते होंगे, और इससे क्या होता है बेसिकली जो नेशन है, जो ग्लोबल वर्ल्ड है उस पर निगेटिव इफेक्ट होगा। प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, ओपन डेफिकेशन काफ़ी इंडिया में तो कॉमन सी बात है, जो वेस्ट है उसको ओपनली हम लोग बर्न करते हैं, और इससे होता क्या है, पॉल्यूशन होगा, ठीक है, पॉल्यूशन से क्या होगा, काफ़ी सारी बीमारियां वगैरह होती हैं। तो ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो एनवायरनमेंट वाले पॉइंट में। देन नेक्स्ट वन इज टेररिज्म। देखिए टेररिज्म एक थ्रेट है इस प्लेनेट के लिए, ये आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि आज तक टेररिज्म की क्या डेफिनेशन होगी जिसको हर कंट्री एक्सेप्ट करे, इस पर किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं हो पाया है,
क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ठीक है। अगर किसी कंट्री में टेररिज्म दूसरी कंट्री को सूट करता है तो फिर वो उसको सपोर्ट करती है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। लोग सेल्फिश हैं और टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, और ये एक थ्रेट है ग्लोबल पीस के लिए। सिमिलरली रेफ्यूजी क्राइसिस, जो कंट्रीज हैं वो एग्रीमेंट नहीं करना चाहती हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सही से नहीं निभाना चाहती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा रोहिंग्या क्राइसिस म्यांमार, ठीक है। तो अगर म्यांमार ही उनके साथ अच्छा बर्ताव करता, उस मैटर को वहीं पे डील कर लेता, तो इतना बड़ा इशू होता ही नहीं। बट इशू क्यों हुआ? क्योंकि म्यांमार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन आप नेशनल लेवल पे इंडिविजुअल लेवल की बात कर सकते हो, जैसे कि पॉलिटिक्स। देखिए जनरल परसेप्शन क्या है पॉलिटिक्स का, कि यार बहुत गंदी चीज़ है। क्यों? क्योंकि करप्शन है, ठीक है। मसल पावर होता है, मनी पावर होता है, लेकिन देखिए हम सब यही बात करते हैं कि यार पॉलिटिक्स काफ़ी गंदी चीज़ है, काफ़ी सारे क्रिमिनल्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो गुड पीपल हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। और जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे कि आपको खुद को शामिल होना होगा पॉलिटिक्स में, और जो नेसेसरी चेंजेस हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपको लाना होगा। और क्योंकि आप नहीं शामिल होना चाहते हो, इसीलिए हमें देखने को मिलता है। आप देखिए कि जो अभी लोकसभा है उसमें 50% के आसपास MP ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे? और इसमें केवल पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार ठहराना केवल यही सही नहीं है, इसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इवन जो इंडिविजुअल हैं, जो शामिल नहीं होते हैं पॉलिटिक्स में, उनका भी रोल होता है। और जब ऐसे लोग शामिल होंगे तो किस तरह से आप गवर्नेंस की उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। आप रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए, आज की जो मीडिया है वो काफ़ी बायस्ड है, गवर्नमेंट के को फेवर करती है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा TRP उनको मिलती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आइडियल सिटीजन वो नहीं निभा रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इतना हम लोग घुस चुके हैं कि हमको वही सब चैनल्स देखने में मज़ा आता है, ठीक है। तो ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। देन इंडिविजुअल लेवल पर जो लोग हैं, अब वो आइसोलेशन पसंद करते हैं, नेचर से एक तरह का डिसकनेक्ट हो गया है। और जब आपको पता ही नहीं होगा कि नेचर क्या चीज़ है, क्या प्योर एयर क्या होती है, ठीक है, ट्रीज़ क्या होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह क्या होते हैं, तो उनकी इम्पोर्टेंस आप कैसे समझोगे? आज हमारी जो लाइफ है वो एक चार दीवारों के बीच में, लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, गैजेट्स वगैरह होने चाहिए, वही हमारी लाइफ बन गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन इकोनॉमी, देखिए एक जो इंडिविजुअल है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि हम टाइम पे टैक्सेस पे करें और जितना टैक्सेस बनते हैं उनको पे करें। लेकिन होता क्या है, टैक्स का इवेजन होता है, टैक्स अवॉइडेंस होती है। मैक्सिमम लोग आज भी कैश पेमेंट करते हैं, जबकि उनको पता है कि अगर कैश पेमेंट होगा तो इससे गवर्नमेंट का लॉस होगा, और अगर गवर्नमेंट का लॉस है तो उसका रिवेन्यू कम होगा, और उससे क्या होगा, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कैश पेमेंट काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं, और इससे होता क्या है, ब्लैक मनी का जनरेशन होता है। और ये ब्लैक मनी फिर किस में यूज़ होती है, टेररिज्म में यूज़ हो सकती है, इलेक्शन में यूज़ हो सकती है, कहीं पर भी ये ब्लैक मनी यूज़ हो सकती है। देन इसका एक अलग डायमेंशन क्या है, करप्शन। देखिए आम लोगों के बीच क्या परसेप्शन है, यार करप्शन तो चलता है यार, बिना करप्शन के कुछ होगा नहीं, और अगर कुछ पैसा दे दोगे तो हमारा काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और जब करप्शन होता है तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये नेशन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक नॉर्म बन जाएगा तो न तो इन्वेस्टमेंट आएगा, जो प्रोजेक्ट वगैरह लगेंगे उनमें काफ़ी डिले होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो इकोनॉमी वाले चीज़ में, मतलब हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन सोसाइटी, देखिए काफ़ी सारे एविल्स हैं, जैसे कि पैट्रियार्की हो गया, कास्टिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, ये क्यों आज भी बने हुए हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल हैं उनका एटीट्यूड क्या है, यार ये तो चलता है। तो ये जो चलता है एटीट्यूड है, यही तो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेज हैं ये आज भी चलती हैं, और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एज एन आइडियल सिटीजन। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उनको फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो सोसाइटी में।
देन एथिकल, मॉरल, लीगल, ये डायमेंशन भी आप ऐड कर सकते हो। देखिए हमने बात की थी जब हमने करंट अफेयर का मैराथन सेशन लिया था पॉलिटी वाला, वहाँ पे हमने बात की थी विशल ब्लोवर की। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए वो एक गवर्नमेंट फर्म है और आपको समझ में आ रहा है कि जो आपके बॉस हैं वो इन्वॉल्व हैं करप्शन में, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस इन्फॉर्मेशन को दबा के रखोगे, आपको क्या लगता है यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इससे मेरा क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा तो इसका उल्टा मेरे ऊपर ही इफेक्ट होगा, तो चुप रहना ज़्यादा अच्छा है, बीइंग अ साइलेंट स्पेक्टेटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन जो नेशनल आइडियल्स हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम फॉलो ही नहीं करते हैं। कास्ट आइडेंटिटी हो गया, कास्ट पॉलिटिक्स हो गया, ये सब चीज़ें क्या है कि हमारा विश्वास नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आइडियल्स पे, ठीक है। देन नॉन कॉम्प्लायंस टू रूल्स, अगर कोई देख नहीं रहा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल होगा तो आप जब रेड लाइट होगा तब भी निकल लेंगे, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ यही है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनको फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी डायमेंशन है जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आपने ये सब तो चीज़ें बता दी कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेंगे तो किस तरह से एक निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप बता दीजिए कि क्यों इंडिविजुअल इनिशिएटिव की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गांधी जी का बहुत प्यारा सा कोटेशन है कि द डिफरेंस बिटवीन वॉट वी डू एंड वॉट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग वुड सफिस टू सॉल्व मोस्ट ऑफ वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो ये मैसेज यहाँ पे क्लियर है कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव क्यों जरूरी है। इसलिए कुछ कोटेशंस ऐसे होते हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए। अब देखिए ये कोटेशन इतना प्यारा कोटेशन है कि ये जो आपका पार्ट है कि क्यों इंडिविजुअल इनिशिएटिव जरूरी है, उसका आंसर इस कोटेशन ने दे दिया है कि इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल एक्शन जो है वो उनको रिजोल्व कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लिख दीजिए कि देखिए गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज एंड विल, क्या वो करना चाहती है, काफ़ी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, भले ही वो टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता ही है, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। और देखिए क्योंकि आप भी उसके कॉन्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, आप भी वेस्टेज करते हो, एंड मैक्सिमम लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट को कंजर्व नहीं करते हैं बल्कि पोल्यूशन में योगदान देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम न केवल प्रॉब्लम का पार्ट बने बल्कि जो सोल्यूशन है उसका भी पार्ट बने, ठीक है। तो इसलिए जो इंडिविजुअल एक्शन है उसकी ज़रूरत होती है। अब देखिए इंडिविजुअल मतलब सभी चीज़ इसमें आ गई, कंट्री को भी आप ले सकते हैं, आप जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको भी आप ले सकते हो, तो वो सब इसमें शामिल हैं। अब आप बता दीजिए कि क्या सक्सेसफुल केस स्टडीज़ हैं। देखिए अगर गांधी जी ये सोच लेते कि यार इंडिया को फ्रीडम मिले या न मिले मेरा क्या जाता है, मेरा क्या रोल है, ठीक है, मैं तो अच्छे से रह रहा हूँ, बैरिस्टर हूँ, काफ़ी पैसा है मेरे पास, अच्छा अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही है, तो क्या होता, क्या हमें फ्रीडम मिलती, नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और उससे हुआ क्या, हमें मिली फ्रीडम। आप बात कर सकते हैं बलबीर सिंह सीचवाल की, क्यों ये फेमस हैं, क्योंकि इन्होंने अपने विल के बेसिस पे, बिना किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के, अपने विल से ही इन्होंने पंजाब में डेड रिवर थी उसको रिवाइव किया था। आप एग्जांपल दे सकते हो दशरथ मांझी का, जिनको माउंटेन मैन भी कहा जाता है, कैलाश सत्यार्थी, इनका भी आप एग्जांपल दे सकते हो। आप बात कर सकते हो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, कि अगर सब लोग के पास विल हो तो किस तरह से हम कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन आप बताइए व्हाट नीड्स टू बी डन, और क्या आप कर सकते हो। देखिए ये जो चीज़ है ना कि थ्रेट जो हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है कि हम लोग सेल्फिश हैं, ठीक है। हम लोग मतलब इंडिविजुअल हो गया, रीजन्स हो गए, कंट्री हो गया, नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेल्फिश हैं। तो हमें सेल्फिश नहीं होना होगा बल्कि सेल्फलेसनेस हो, सेल्फलेसनेस को हमको फॉलो करना होगा। हमें आइडियल सिटीजन बनना होगा जो केवल राइट्स की बात नहीं करता है बल्कि ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिखिए। ये जो फिलोसॉफी है वसुदेव कुटुंबकम की, कि जो पूरा वर्ल्ड है ये एक ही फैमिली है। आज लोग क्या सोचते हैं कि यूएसए अलग है, इंडिया अलग है, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इंडिया पे भी उसका इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट यूएसए पे भी होगा, उसका इफेक्ट ब्रिटेन पे भी होगा। तो
ये जो फिलोसॉफी है वसुदेव कुटुंबकम की, इसको फॉलो करना चाहिए और सबको जॉइंट एक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। देन मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन, ये चीज़ तो आप हर ऐसे में लिख सकते हो, एक सोल्यूशन होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको शुरू से ही मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन देनी चाहिए, जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं, वो उनके सिलेबस में होनी चाहिए ताकि वो एक आइडियल सिटीजन बन सकें। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए, कंक्लूजन में आप कोटेशन लिख सकते हैं, और कोटेशन ऐसा होना चाहिए जो इंडिविजुअल की पावर को बताए कि वो क्या कर सकता है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का बहुत ही अच्छा कोटेशन है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक कोटेशन है जिससे आप कंक्लूड कर सकते हो। लेकिन देखिए, हमने शुरुआत की थी अलवर से, तो एंड भी अलवर पे ही होना चाहिए, और एंडिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये जो पूरा ऐसे का थीम है, जो टॉपिक है, वो कवर हो जाए। तो हमने यहाँ पे कोटेशन बता दिया कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन ये पावर आपको रियलाइज करनी होगी। अब आप बता सकते हैं कि दिस मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद रिफ्लेक्ट्स इन द एफर्ट्स मेड बाय राजेंद्र सिंह, जिनको हम कहते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया, और इन्होंने जो एफर्ट किए उससे क्या हुआ कि जो एरिया था अलवर वाला, वहाँ पे प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई थी। इन्होंने फोकस किया ट्रेडिशनल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर पे, जोहर्स वगैरह बनाए, चेक डैम्स वगैरह बनाए, और इनके एफर्ट से 1000 विलेजेस में फिर से वाटर आया। ठीक है, वहाँ का जो ग्राउंड लेवल था वाटर का, वो उसमें एक तरह का इंक्रीज हमको देखने को मिला, और 5 रिवर्स को इन्होंने फिर से रिवाइव किया था। ठीक है, तो देखिए, हमने शुरुआत की थी अलवर से और उसी पे हमने एंड किया। तो यहाँ से आपको सीखना चाहिए कि अगर आप किसी स्टोरी से शुरुआत करते हो, अगर ये आपका स्टार्ट है, तो यही स्टोरी आपका एंड भी होनी चाहिए, मतलब पूरा एक साइकिल घूम जाना चाहिए, पूरा सर्किल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए, काफ़ी अच्छा ये कंक्लूजन होगा। ठीक है, अब देखिए, ये ऐसे तो यहाँ पे हो गया है, अगर आपका कोई डाउट है ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और एक लर्नर की जो आंसर शीट है वो हम देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस ऐसे को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने शुरुआत की है रॉबर्ट, इन्होंने शुरुआत की है, जस्ट ए मिनट, इन्होंने शुरुआत की है रॉबर्ट स्वान से, एंड वो जो कोटेशन है वो उन्हीं का था। ठीक है, एंड इन्होंने लिखा है कि द ही इज़ द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड टू वॉक टू बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल, उनके बारे में लिखा है, एंड इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दिस लाइन इज़ द मिरर ऑफ होल वर्ल्ड, और किस तरह से वो बताने की कोशिश की गई है। देखिए, ग्लोबल लेवल पे बात हुई है कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, और उसका मेन कारण क्या है, वाई ओनली माई कंट्री, मतलब वही बात हो गई कि लोग सेल्फिश हैं। ठीक है, सोसाइटी लेवल पे क्या है, वाई ओनली मी, और इसके लिए आपने एग्जाम्पल दिए हैं। तो देखिए, जो इंट्रोडक्शन है ना, ये थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता था। देन आपने लिखा है कि सो दिस इज़ द आंसर ऑफ अबव स्टेटमेंट, तो यार ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए थी ना, ये चीज़ सही नहीं है। फिर आपने बात की है अर्थ की इम्पोर्टेंस की, कि भाई जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं, हमारा सर्वाइवल इंश्योर होता है। ठीक है, लेकिन देखिए, यहाँ पे आपने क्वेश्चन रेज किया है, इज़ द अर्थ ब्लेस्ड टू हैव अस एज ए पार्ट ऑफ इट, आई वुड से नो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने रेज किया है, और इससे होगा क्या कि जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, फिर आपने क्या बताया कि दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन इज बिग बट द आंसर इज सो स्मॉल, और वो आंसर क्या है, सेल्फिशनेस। अब देखिए, जिन लोगों को परेशानी होती है इस चीज़ को समझने में कि हम डिफरेंट पैराग्राफ्स को किस तरह से लिंक करें, तो उसका काफ़ी शानदार एग्जांपल यहाँ पे मिलेगा कि किस तरह से इन पैराग्राफ को लिंक किया गया है। एक पैराग्राफ में क्वेश्चन रेस किया गया है, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में उसका सोल्यूशन देने की बात की है, और जब सोल्यूशन की बात हो रही है, तो जो डिफरेंट डायमेंशन है जो आप एड्रेस करने वाले हो, उन सबको यहाँ पे बता दिया है कि वो डायमेंशन क्या है। टेररिज्म हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मतलब जो भी चीज़ आप एक्सप्लेन करने वाले हो नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसको आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है ब्रीफ में। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
इसके बाद आपने डिफरेंट डायमेंशंस बताई हैं, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो एक तरह का कनेक्शन दिख रहा है। ग्लोबल लेवल पे आपने बात की है पेरिस क्लाइमेट मीट की, तो ये अच्छा पॉइंट है। देन आपने टेररिज्म की बात की है, ये भी अच्छा पॉइंट है। देन आपने कॉम्पिटिशन की बात की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है, ये भी एक अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर लिखा है। देन आपने सोसाइटी लेवल की बात की है कि बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है, सबको पता है कि इससे पोल्यूशन होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको बर्न करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा मेरा क्या जा रहा है, ठीक है, वही वाला एटीट्यूड है। देन इंडिविजुअल लेवल पे आपने बात की है गैजेटाइजेशन की, ये भी अच्छा पॉइंट है, हम नेचर से काफ़ी दूर हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने लिखा है कि ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, फिर आपने लिखा है कि दिस नीड्स अ मेजर सोल्यूशन, ठीक है। तो आपने बता दी प्रॉब्लम, अब आप बात करो सोल्यूशन की, तो एक तरह का लिंक यहाँ पे बन रहा है, ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग का आपने एग्जांपल दिया है और इंडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उसका आपने एग्जांपल दिया है, तो ये चीज़ भी अच्छी है, ठीक है। देन आपने एक क्वेश्चन रेज किया था कि वाई मी, अब आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो वाई नॉट मी, तो जब क्वेश्चन था, जब इशू क्या था, वाई मी, अब जब आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो क्या बता रहे हो, व्हाई नॉट मी। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये दोनों क्वेश्चंस आपने रेस किए हैं, महात्मा गांधी का कोटेशन आपने यूज़ किया है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। फिर आपने लिखा है कि नाउ देर इज़ अ प्रॉब्लम, अब देखिए नाउ देर इज़ अ प्रॉब्लम में आपने प्रॉब्लम बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, कि जो गवर्नमेंट एंड सिटीजन है उनके बीच का रिलेशन किस तरह से है। गवर्नमेंट को लगता है कि ये इंडिविजुअल की ड्यूटी है और सिटीजन्स को लगता है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, तो एक तरह का कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इसको दूर करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये पॉइंट भी सही समझ में आ रहा है। देन आपने बताया है कि एक तरह का बैलेंस बनाने की बात है, वो बैलेंस क्या है, कोऑपरेशन, जो नेशंस हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, डेफिनेटली ये सही आपने पॉइंट लिखा है। देन आपने नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो आपने बताया है, ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। देन आपने बात की है फैमिली लेवल की, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मतलब तरीका है कि आप एक के बाद एक जो दूसरे लेवल हैं उन पे आप जा रहे हो, फैमिली लेवल पे आप बात कर रहे हो, टीचर्स की बात कर रहे हो, टीचिंग की बात कर रहे हो, एंड इंडिविजुअल लेवल पे आपने बताया क्या है कि गैजेट्स वगैरह जो हैं वो हमको कम यूज़ करने चाहिए, ठीक है, ताकि जो नेचर के प्रति हमारा एक तरह का इंट्रैक्शन है वो बढ़े, तो ये भी एक अच्छा है, ठीक है। देन आपने गांधी जी का कोटेशन यूज़ किया है कि नेचर हैज़ इनफ टू फुलफिल एवरीवंस नीड बट नॉट एवरीवंस ग्रीड, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो आपने सही जगह पे यूज़ किया है। देन आपने बात की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि इट इज़ नॉट ओनली अ टर्म बट द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, मतलब आप अब कंक्लूड कर रहे हो, एज वी ऑल नो वी गेट दिस प्लेनेट एज अ गिफ्ट फ्रॉम आवर एनसेस्टर्स, बट इट इज़ ऑल्सो ए ट्रूथ दैट वी हैव टू ओ दिस प्लेनेट टू आवर कमिंग जनरेशन, ठीक है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। और फिर आपने क्या किया है कि वी शुड प्रोटेक्ट द प्लेनेट फॉर दिस रीजन टू, अब देखिए ये जो आपका कंक्लूजन है ना ये थोड़ा अच्छा हो सकता था, तो मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए एक तो आपको थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होगा, अपीलिंग बनाना होगा, ठीक है, काफ़ी कुछ डायमेंशन आपने मिस की हैं और वो दिख रहा है कि जो वर्ड लिमिट है आपके ऐसे की वो काफ़ी कम है, मेरे हिसाब से 700 के आसपास होगी, तो काफ़ी कुछ आप और डायमेंशन ऐड कर सकते हो, और वो क्या डायमेंशंस हो सकती हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, लेकिन जो कनेक्शन आपने किया है ना पैराग्राफ के बीच में वो काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, और इसको आप कंटिन्यू करें, इससे डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा डायमेंशन आप ऐड करिए और जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो कंक्लूजन है, उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब इसी के साथ ना हमारा ये जो सेशन है इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को, हमारे इनिशिएटिव को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके ग्रुप्स में, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।